जर्दा, चुटकी भर हल्दी, ज़ाफ़रान और साबुत गरम मसाले के साथ फुल डन है। कच्चे नहीं रखिएगा, कच्चे चावल होंगे तो जब चीनी जाएगी उसमें तो वो और जकड़ जाएंगे, वो पकेंगे नहीं। जब ये थोड़ा सा पिघल जाएगा घी, तो मैं यहाँ, मेरे पास है काजू बादाम पिस्ते वगैरह, उसको हम फ्राई कर देंगे। किशमिश भी मेरे पास यहाँ है, वो भी हम डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें चीनी डालेंगे, दूध डालेंगे, फिर हम इसमें चावल मिला देंगे और हल्की आंच पे इसको तवे पे दम पे छोड़ देंगे। दैट्स अबाउट। ट्राई करिएगा, चावल फुल डन होने चाहिए। बार बार रिपीट कर रही हूँ। नट्स डाल दीजिए, जो भी नट्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं, किशमिश, बादाम, काजू, पिस्ते, वट एवर यू वॉन्ट टू यूज़। फिर आप इसमें चीनी डाल दीजिए, मैं दानेदार चीनी लेके आई हूँ आज, पिसी हुई भी डाल सकते हैं, वट एवर यू वॉन्ट टू यूज़। चीनी को थोड़ा सा घुल जाने दीजिए, इस मिल्क शामिल कर देंगे, थोड़ा सा ज़ाफ़रान जाएगा। ये हैं ड्राइड रोज़ पेटल्स, गुलाब की पत्तियाँ जो सुखा दी हैं मैंने, वो हम बाद में अंदर मिक्स करेंगे। चीनी को आपने अच्छी तरह पहले पिघलने देना है। जब आपको लगे चीनी अच्छी तरह पिघल चुकी है, तब आप चावल डालेंगे, थोड़े थोड़े करके आप इसको अंदर मिक्स करेंगे शीरे के साथ, और फिर आप इसको हल्की आंच पे दम पे छोड़ दीजिएगा ताकि इसमें अच्छी तरह अब्सॉर्ब हो जाए ये पूरा शीरा, ठीक है। फॉर दैट यू नीड अ तवा। नीचे तवा और आंच हल्की और ढक्कन ढक दीजिए। दैट्स इट। जर्दा अरसा चावल के लिए। चावल एक कप, दालचीनी एक इंच का टुकड़ा, लौंग चार अदद, तेज़पत्ता एक अदद, हरी इलायची चार अदद, ज़ाफ़रान एक चौथाई चाय का चम्मच, नमक एक चौथाई चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर एक चौथाई चाय का चम्मच, जर्दे के लिए घी एक चौथाई कप, काजू दो खाने के चम्मचे, किशमिश दो खाने के चम्मचे, बादाम स्लाइस दो खाने के चम्मचे, पिस्ते स्लाइस दो खाने के चम्मचे, दूध आधा कप, चीनी एक तिहाई कप, ज़ाफ़रान एक चौथाई चाय का चम्मच। गार्निश के लिए गुलाब की पत्तियाँ एक चाय का चम्मच।